ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे तो सर झुकाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेके आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर 7। चैप्टर 7 लेकर आए हैं और चैप्टर 6 इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीज़ें देख सकती हो, इससे पहले जो भी मैंने कुछ कराया है। तो आज हम इस चैप्टर में लेके आए हैं टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो मित्रों, टीचिंग एड्स को इस तरह से करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखिए, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या हैं। तो शिक्षण सहायक जो सामग्री होती हैं, इनका मतलब होता है कि जो शिक्षा करने में, यानी कि शिक्षण लेने में सहायक हों, जो सामग्री शिक्षण करने में सहायक का रूप ले, जैसे कि शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री। शिक्षण में सहयोग देने वाली जितनी भी सामग्री होती हैं उन्हें हम टीचिंग एड्स कहते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, मार्कर, वीडियोज़। जैसे कि अब वीडियोज़ है, हम वीडियोज़ के जरिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ऑडियोज़ के ज़रिए भी हम जो शिक्षण है उसको सहायक कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो नोट्स होते हैं कई बार। उसके बाद प्रोजेक्टर के ज़रिए, जैसे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है प्रोजेक्टर के ज़रिए, इसके ज़रिए भी हम जो शिक्षण है उसको सहायक बना सकते हैं, यानी कि शिक्षण में सहायता दे सकता है। उसके बाद लैपटॉप है, लैपटॉप के ज़रिए भी हम शिक्षण को ईजी बना सकते हैं। उसके बाद और भी एक पॉइंट है, आगे भी देख लेते हैं, रेडियो है, रेडियो के ज़रिए भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं हम, जो शिक्षा को सहायक, यानी कि शिक्षा को आसान बना सकता है। टेलीविज़न के ज़रिए भी हम शिक्षा को आसान बना सकते हैं, ये भी एड्स है, टीवी एड्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्वयं प्रभा है वो टेलीविज़न पे ही उसके चैनल आते हैं, 32 चैनल, और वहाँ पे टेलीविज़न जो है एक बहुत बड़ा साधन होता है, बहुत बड़ा एड्स होता है शिक्षण के लिए। उसके बाद चार्ट है, कक्षा में चार्ट का यूज़ करते हैं, ये भी टीचिंग एड्स में लगाया जाएगा, माना जाएगा। तो ये थे टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण में सहयोग देने वाली सामग्री जितनी भी होती है उसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं, यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री। अब चलते हैं सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो सहायक सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें दृश्य साधन यानी कि विजुअल, श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो, दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों। उसके बाद ये कुछ और लेके आया हूँ मैं, क्रियात्मक सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री। ये जो नीचे दो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके ऊपर वाले 3 हैं, यानी कि दृश्य साधन विजुअल, श्रव्य ऑडियो, और दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल। और इनमें भी जो आपका ऑडियो विजुअल है ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं, इनमें क्या बताया गया है। सबसे पहले लेते हैं दृश्य साधन यानी कि विजुअल। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, ब्लैक बोर्ड है, यानी कि जिन चीज़ों से देखने पर हमें शिक्षण प्राप्त हो, ब्लैक बोर्ड है, स्लाइड है, और रोड स्क्रीन है, रोड पर जो स्क्रीन लगी होती हैं, मानचित्र है, ग्लोब है, ये चीज़ें जिसमें आती हैं उन्हें कहते हैं दृश्य साधन, यानी कि इनके ऊपर से हम देखकर शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझाता है, तो वहाँ पर हम देखकर यानी कि विजुअली देखकर ब्लैक बोर्ड को वहाँ पर शिक्षण ग्रहण करते हैं। उसके बाद स्लाइड है, स्लाइड आपने देखा होगा, स्लाइड चलती रहती हैं, अगर आप टीवी के नीचे देखा होगा एडवर्टाइज जो आती हैं उनकी स्लाइड चलती रहती हैं, जैसे कि आज तक न्यूज़ चैनल है या फिर NDTV है या फिर जी न्यूज़ है, उनके नीचे जो खबरों की जो स्लाइड चलती रहती है वो भी हम देख कर ही वहाँ पर हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद रोड स्क्रीन, देखिए रोड पर स्क्रीन लगी हुई होती हैं और कोई एडवर्टाइज चली हुई होती है उन पर भी, या फिर उन पर कहीं जाने का निशान लगा हुआ होता है कि इधर जाना है उधर जाना है, तो रोड स्क्रीन से भी हम जो है कि शिक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद मानचित्र का आपको पता होगा, क्लास में मानचित्र के ज़रिए टीचर बच्चों को समझाता है, ग्लोब के ज़रिए बच्चों को समझाया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें हम सिर्फ दृश्य यानी कि विजुअल, ये विजुअल सामग्री होती हैं, इसमें हम देखकर ही शिक्षा
ग्रहण कर सकते हैं यानी शिक्षण कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं श्रव्य साधन। अब देखिए श्रव्य साधन कौन से होते हैं, ऑडियो। ऑडियो साधन कौन से होते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में कहानियाँ सुनते थे, पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं थे कुछ टाइम पहले, उससे भी पहले, तो वहाँ पे क्या होता था, कहानियाँ सुनाई जाती थी। और एक मिनट मित्रों, इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ, नॉइज़ का झंझट हो जाता है कई बार। तो चलिए अब करते हैं, श्रव्य साधन का मतलब होता है ऑडियो, यानी कि जो सुनकर हम शिक्षण ग्रहण करें, किसी चीज़ को सुनकर हम शिक्षा ग्रहण करें। जैसे कि पुराने टाइम में कहानियाँ सुनाती थी दादी नानियाँ, तो कहानी सुनकर हम शिक्षा लेते थे, और उदाहरण सुनकर भी हम शिक्षा लेते हैं, टीचर हमें उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, तो वहाँ से भी हमें हम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। और जो रेडियो होता है, आपने देखा होगा रेडियो पे हम सिर्फ श्रव्य करते हैं यानी कि सुनते हैं। जैसे आपसे पहले जब टेलीविज़न नहीं थे या टेलीविज़न थे, लाइट नहीं आती थी गांव में, तो रेडियो के ज़रिए हम मैच देखा करते थे। जब कोई इंडिया का मैच चल रहा होता था तो रेडियो के ज़रिए हम सुना करते थे। सिर्फ सुनकर यहाँ पर काम चलाया जाता है। उसके बाद टेप रिकॉर्ड भी इसमें ही आएगा, ये भी ओनली ऑडियो में आएगा। उसके बाद फ़ोन, जहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ ना कर रहे हों, तो वहाँ पे जो फ़ोन का यूज़ करेंगे सिर्फ कॉल के लिए, तो वो भी हमारा ऑडियो साधन में आएगा यानी कि श्रव्य साधन में आएगा। तो ये हैं हमारे श्रव्य साधन जो शिक्षण में सहयोग देते हैं। उसके बाद चलते हैं दृश्य श्रव्य दोनों, यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों। इनमें क्या होता है, इनमें हमें ऑडियो भी सुनाई देगी और इसमें हमें वीडियो भी दिखाई देगा, यानी कि जैसे कि कोई मूवी चल रही होती है तो उसमें हमें ऑडियो भी दिखाई देती है और उस मूवी में जो आवाज़ें होती हैं वो भी हमें सुनाई देती हैं। तो वो कौन सा साधन हुआ, वो हुआ ऑडियो और वीडियो विजुअल, यानी कि दृश्य और श्रव्य। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नाटक है। नाटक अगर हम देखेंगे तो नाटक में हमें आवाज़ भी सुनाई देगी और वहाँ पर हमें दृश्य भी दिखता रहेगा। उसके बाद वीडियो है, वीडियो में भी यही काम होता है। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो भी आपको दिखाई दे रही है और आप मेरी आवाज़ को सुन भी पा रहे हो। उसके बाद टीवी है, टेलीविज़न पर आप जो भी कुछ देखते हो वो भी आपका दृश्य श्रव्य साधन होता है। लैपटॉप है, लैपटॉप भी आपका श्रव्य दृश्य साधन में आएगा। कंप्यूटर है, ये भी आपका इसी में आएगा। उसके बाद चलते हैं क्रियात्मक सामग्री। एक बात और बता देता हूँ, इसमें जो श्रव्य और दृश्य साधन है ये सबसे बेस्ट होता है। ये सारे जितने भी हैं, सारे ऑप्शंस में सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट माना जाता है। उसके बाद चलते हैं क्रियात्मक सामग्री। अब देखिए क्रियात्मक सामग्री का जो साधन है ये होता है एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि जहाँ पर हम एक्टिविटी करके दिखाते हों, जैसे कि भौगोलिक यात्राएँ। अभी आप घूमने के लिए जाओ, दिल्ली जाओ, लाल किले पे जाओ, इंडिया गेट पे जाओ, या कहीं संग्रहालय में जाओ घूमने के लिए, तो ये होता है क्रियात्मक सामग्री। और घूम के आप किसी नॉलेज को एक्सेप्ट करो, जैसे कि आप किसी आप कहीं पे घूमने के लिए जाओगे, जैसे लाल किला जाओगे घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे पता लगेगा, आपको शिक्षा मिलेगी कि ये बनवाया किसने था या फिर ये कब बना था, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको शिक्षा मिलती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नीचे वाले दो हैं, जो ऊपर वाले तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इसको कर लेते हैं प्रयोगात्मक सामग्री। देखिए प्रयोगात्मक सामग्री का मतलब होता है प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल करने वाले जो साधन होते हैं, जैसे कि साइंस का प्रैक्टिकल करते हैं हम, जो प्रयोग करते हैं साइंस का, लैब होती है, जो लैब में जाके हम प्रयोग करते हैं, तो वो इसमें आता है। लैब करके सीखते हैं, लैब के अंदर प्रयोग करके सीखते हैं, वहाँ पे जो प्रयोग करने के जो साधन होते हैं, जो सामान होते हैं, वो हमारे शिक्षण के सहयोग देने वाली सामग्री होती है उसके अंदर भी। तो मेन जो है आपके दृश्य साधन यानी कि विजुअल ऑडियो, और ऑडियो विजुअल यानी कि दोनों तरफ से, ये आपके मेन हैं। इनको आप अच्छी तरह से कर लेना, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एक दो साल के अंतराल में। तो मित्रों ये था आपका आज का मैटर, और आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया टीचिंग एड्स, जो कि आपके शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि शिक्षण के लिए सहायक सामग्री होती है। और इससे आगे मैं अगला लेक्चर जल्दी लेके आऊँगा, चैप्टर 8, और आप अच्छी तरह से करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। और वो कहते हैं कि जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है।
जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। अगर आप पढ़ते रहे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आपका नेट ना हो, आप अपने नेट को अच्छी तरह से कर ही लोगे अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए पेपर वन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप नोट्स मुझसे परचेज़ भी कर सकते हो, स्टडी मटेरियल पेपर वन का परचेज़ कर सकते हो। और मोस्टली तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो देखकर, लेक्चर देखकर अपने नोट्स खुद बनाएं, उससे बेटर तरीका कोई नहीं होता है, क्योंकि समझ में आ जाता है और अच्छी तरह से आप टॉपिक को समझ पाते हो। तो मित्रों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, अगला लेक्चर जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।